नमस्कार साथियों। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इकाई अंक या यूनिट डिजिट। तो आज हम जो है यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आसान तरीके से 10 से 15 सेकंड में हम किसी का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई नंबर पढ़ते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे जो आते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही नंबर्स मिलते हैं और इन नंबर्स के पावर मिल जाते हैं। जैसे कभी पूछ लिया कि 4 की पावर 2000 का यूनिट 200 का यूनिट डिजिट बताइए, या जो है 215 के की पावर 104 का यूनिट डिजिट बताइए। तो इस तरीके के नंबर्स मिल जाते हैं और इसके पावर मिल जाते हैं। तो ये लगता बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है। तो इन्हीं नंबर्स में हम समझते हैं कि कैसे क्या कन्वर्जन होता है। तो पहले लेते हैं, देखिए 1, 5 और 6, ये 3 नंबर्स की पावर कुछ भी आ जाए, यानी 1, 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1200 कुछ भी हो, तो ये यही नंबर्स रहेंगे, यानी ये नंबर्स नहीं बदलेंगे। जैसे लिखा हो 715 की पावर 200 का इकाई अंक बताइए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं सोचना है, इकाई अंक 5 होगा। पूछ ले 7816 का की पावर 215 का इकाई अंक बताइए, तो 6 मिल गया। इसका मतलब आपको सीधे 6 लिख देना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि इसकी पावर निकाले या ना निकाले। अब क्या बचा? दूसरा लेते हैं 3, 7 और 9, 3, 7 और 9 इसकी पावर 4 जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? इसकी पावर 4 जो होती है वह 1 होती है। जैसे 313 की पावर, अगर मान लिया 102 दे रखा है, इसका भी यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 102 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 100 और गुणे 3 की पावर 2, यही हो गया, क्योंकि गुणे में खाते जुड़ जाएंगे तो 102 बन जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे 25 और ये हो जाएगा 9, तो ये 1 हो गया, यानी इसका पावर कितना हो गया? चूंकि ये 3 की पावर 4 है तो 1 हो गया, तो 1 की पावर 25 यानी 1 हो गया गुणे 9, तो यानी यूनिट डिजिट इसका 9 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। बचा क्या? 2, 4 और 8, 2, 4 और 8 इसकी पावर जो होती है वो होती है 6, यानी पावर 4 इसका 6 होता है। अब जब 6 मिल जाएगा तो 6 की पावर कुछ भी बनेगी तो वो फिर 6 बन जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर कहे 212 की पावर 25, तो ये हो गया 2 की पावर 25, तो कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 गुणे 6 प्लस 1, यानी अब देखिए 2 की पावर 6, ठीक है, तो 2 की पावर 4 गुणे 6 गुणे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 होती 6 और 6 की पावर 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बताया कि 6 की पावर कुछ भी हो और गुणे 2, तो ये हो गया 6 की पावर 6 मतलब 6 और गुणे 2, तो 6 दुनी 12, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 4, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, तो 16 हुआ, तो 16 मतलब 16 की पावर 6 हो गई। यहाँ पे देखते हैं 16 की पावर 6, अब 16 में यूनिट डिजिट 6 है तो 6 की पावर कुछ भी रहे तो 6 ही आएगा। जैसे 6 का अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। तो 6 की कुछ भी पावर आएगी लास्ट में 6 ही आएगा, तो 6 की पावर 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 की पावर 6 6 हो गया और 2 यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई में है तो 6 दुनी 12, तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा।
तो अब इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आए गए हैं, बस इतना ही नियम है, इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है, इसमें देखें 1001 की पावर 2008, तो यहाँ पे देखें एक है, तो एक की पावर कुछ भी हो हमने बताया तो वो वन होगा, तो इसका यूनिट डिजिट वन हो जाएगा, पहला सॉल्व कर रहे हैं। प्लस साथ में दिया है 1002, तो यहाँ इससे पहले लिखा होगा और ये 1002, तो ये जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 3, यानी इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। इसका देख लेते हैं, दूसरे का देखिए इसमें क्या है, 4 है और यहाँ भी 4 है, तो सीधे हम क्या यूनिट डिजिट का ही पावर लिखेंगे, तो 4 की पावर 102 और प्लस 4 की पावर 103, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 100 गुणे 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 4 की पावर 100 गुणे 4 की पावर 3। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणे 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणे 25 और गुणे 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 4 6 होता है, तो ये बन जाएगा 6, तो 6 की पावर 25 गुणे 16 प्लस ये भी हो जाएगा 6 की पावर 25 गुणे 64। अब हमने बताया कि 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 रहता है, तो यहाँ पे 6 रहेगा गुणे 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये 6 छंग 36 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 6 चौके 24। इसका देखिए अब ये दोनों जुड़ेंगे तो लास्ट के डिजिट जुड़ेंगे, तो 6 प्लस 4 यानी 10 होगा, तो 10 का 0, तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो इसका आएगा 0। इसी तरीके से देखते हैं 7 वाला, ये तीसरा है, 7 की पावर 153, 7 की पावर 153 प्लस 1 की पावर कुछ भी लगा हो तो वही रहेगा, तो हम प्लस 1 लेकर चलेंगे, 7 की पावर 153, तो हमने बताया 7 की पावर 4 जो होती है वो 1 होता है, तो हम इसको 153 को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 3 12 3 15 33 हो गया, 4 8 32, ठीक है एक रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 गुणे 38 प्लस 1 और प्लस 1 इधर रहेगा, तो 7 की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की पावर 38 1 हो जाएगा, तो पहले इसको कर लेते हैं 7 की पावर 4 गुणे 38 और गुणे प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब पावर 1 इधर और होगा और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 1, तो 1 की पावर 38 1, तो 1 गुणे 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 मतलब 8, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। ये वाला देखते हैं 22 की पावर 23 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 23, इसको हल करेंगे 2 की पावर 23, तो 2 इसको लिखेंगे 4 गुणे 5 20 प्लस 3, यानी 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 3। अब देखिए मैंने बताया कि 2 की पावर 4 क्या होता है 6 होता है, तो 6 की पावर 5 गुणे ये हो गया 8, 6 की पावर 5 हमने बताया 6 की कुछ भी पावर हो तो 6 ही रहेगा, तो 6 गुणे 8, 8 छक 48, यानी यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 8। तो ये कुछ यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पावर वाले नहीं होते, सिंपल मेथड से होते हैं, जिसमें केवल गुणे में दिया रहता है और उसका यूनिट डिजिट बताना होता है। जैसे इस टाइप के भी नंबर्स होते हैं, इसमें भी यूनिट डिजिट बताना होता है, तो इसमें क्या करते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 दुनी 18, यानी इसका यूनिट डिजिट 8 है और प्लस इसका यूनिट डिजिट तो 5, 8 5 13, तो 13 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, इसलिए इसका अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। तो ये कुछ था इकाई या यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन।
फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।